नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज की कहानी है दीप्ति नवल की। दीप्ति नवल, जिनका नाम उन अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने लीक से हटकर फिल्में की हैं, और एक अलग पहचान लीक से हटकर फिल्मों में लोगों के दिलों में बनाई। उन्होंने जिंदगी से जुड़े कई किरदार निभाए और शायद इसलिए दर्शकों को उनकी अदा पसंद भी आई। अपने 3 दशक के लंबे करियर में दीप्ति नवल ने दर्जनों ऐसी फिल्में की जो हिंदी सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसमें एक बार फिर अनकही, बवंडर, लीला, फिराक जैसी तमाम फिल्में हैं। इसके अलावा दीप्ति नवल जिन 8 फिल्मों की बदौलत लोगों के दिलों में जगह बना रही थी, उससे उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। एक तरफ वो हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन गई थी, तो दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। कह सकते हैं कि सफलता के चरम पर पहुंचकर भी दीप्ति नवल की निजी जिंदगी में वीरानी छाई हुई थी। डायरेक्टर प्रकाश झा से उन्होंने शादी तो की, लेकिन यह शादी 17 साल बाद टूट गई और दोनों का तलाक हो गया। और इसके बाद एक सूनापन, एक अकेलापन दीप्ति नवल की जिंदगी में घर कर गया। तलाक के बाद दीप्ति की जिंदगी में अकेलापन छा गया। हालांकि उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी थी, लेकिन अंदर से एक हमसफर की जो कमी खल रही थी वो दीप्ति नवल पर हावी हो रही थी। लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी में प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के बेटे विनोद पंडित आए। दीप्ति बहुत खुश थी ये सोचकर कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। देखते ही देखते दीप्ति नवल और पंडित विनोद की सगाई भी हो गई, शादी तारीख ये सब फटाफट होने लगा। बहुत जल्द शादी की तारीखें निश्चित करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ दिनों में शादी के ऐलान की खबरें आने लगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक तरफ दीप्ति पंडित विनोद से शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, तो वहीं दूसरी तरफ शादी से पहले ही पंडित विनोद चल बसे। वो कैंसर के मरीज थे और विनोद पंडित के गुजर जाने के बाद दीप्ति नवल की जिंदगी में एक बार फिर अंधेरा छा गया। प्यार में 2-2 बार हार मिलने से दीप्ति नवल अब पूरी तरह से टूट गई। वो उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मन लगाने के लिए फिर से एक्टिंग की तरफ रुक गया। दीप्ति ने विनोद पंडित की मौत के बाद फिर शादी नहीं की और फिल्मों को ही अपनी जिंदगी बना लिया। फिल्म इंडस्ट्री में दीप्ति नवल को 3 दशक से ज्यादा समय हो गए हैं और आज हालांकि वो फिल्मों से दूर रहती हैं, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे उनकी चर्चा होती है। चर्चा उनकी कविताओं की, उनकी जिंदगी की, उनके उस रूहानी अकेलेपन की। दीप्ति नवल अब अमेरिका की नागरिक हैं, वो अमेरिका में ही रहती हैं, लेकिन उनकी रूह आज भी हिंदुस्तान में, बॉलीवुड में बसती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।